मग नेमकं संघाला सुद्धा मला हेच विचारायचं आहे, नेमकं तुमचं आणि तुमच्या भाजपचं चाललंय तरी काय? मी सातत्याने सांगतोय जे माझ्या वडिलांनी सांगितलं, आजोबांनी सांगितलं की आमचं हिंदुत्व हे शेंडी जानवरचं हिंदुत्व नाही, अजिबात नाही। आणि मी नवीन नाव त्यांना ठेवलेलं आहे, त्यांचं हिंदुत्व हे गोमूत्रधारी हिंदुत्व आहे। पण नेमकं तुमचं हिंदुत्व काय? आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे, तसं भाजपने जाहीर करावं, त्यांचं हिंदुत्व म्हणजे काय? महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन खो चुके उद्धव ठाकरे इन दिनों काफ़ी तल्ख नजर आ रहे हैं। इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से गर्मा गर्मी और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक जनसभा में भारतीय जनता पार्टी, RSS और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने रविवार को नागपुर में महाविकास आघाड़ी दल की एक रैली को संबोधित किया। कभी बीजेपी के साथ रहे उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि RSS बीजेपी का हिंदुत्व गौमूत्रधारी हिंदुत्व है। रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी RSS पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि वहां गौमूत्रधारी हिंदुत्व है, हमारा हिंदुत्व राष्ट्रवादी है। उनके लोगों ने संभाजीनगर में उस जगह पर गौमूत्र छिड़का जहां हमने कार्यक्रम किया था, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उन्हें थोड़ा सा गौमूत्र पी लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और दूसरी ओर मस्जिद चले जाते हैं। जब से उद्धव कांग्रेस के साथ गए हैं तब से बीजेपी उन पर हिंदुत्व को छोड़ने का लगातार आरोप लगाती आ रही है। उद्धव ठाकरे भी अब अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुप नजर आए, मगर जब हाल में उनके हाथों से उनकी पार्टी शिवसेना निकल गई तब से उद्धव जैसे तैसे अपने सियासी ज़मीन बचाना चाह रहे हैं। इस रैली में उन्होंने बीजेपी के साथ साथ महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे पर भी हमला बोला। आपको बता दें, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसको लेकर तमाम पार्टियां मुस्तैद हैं। वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिससे बीजेपी और शिंदे गुट को फ़ायदा मिल सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे का सियासी भविष्य अब साफ नहीं है। उनकी भूमिका महाविकास आघाड़ी दल में क्या रहेगी, ये भी साफ नहीं है। तो उद्धव अब ये सियासी ज़मीन हिंदुत्व के सहारे पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी उद्धव अपने पैतरे में कितना सफल हो पाएंगे।